ऑडियो 10 पुस्तक का नाम आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अंतर्मन की धुलाई एवं ब्राह्मी चेतना से विलय का नाम है ध्यान। ध्यान के प्रयोग अध्यात्म चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई इन्हें सम्यक रूप से जान ले, सीख ले, तो वह स्वयं ही अपने व्यक्तित्व की चिकित्सा कर सकता है। ध्यान शब्द से बहुसंख्यक लोग सुपरिचित हो चले हैं, क्योंकि इन दिनों इसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना और लिखा पढ़ा जा रहा है, किंतु इसके अर्थ के बारे में, मर्म के बारे में प्रायः सभी अपरिचित हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जो ध्यान के बारे में जानने और नियमित इसके अभ्यास का दावा करते हैं। यह अचरज भरा सच हो सकता है, कई लोगों को नागवार लगे, फिर भी सत्य को कहा जाना चाहिए। यही सोचकर विनम्रतापूर्वक ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, क्योंकि इनके आत्मावलोकन में मदद मिलेगी और नए सिरे से ध्यान के बोध को पाया जा सकेगा। ध्यान के प्रयोग में हम अपने विचारों और भावनाओं को रूपांतरित करते हैं, इन्हें लयबद्ध करते हैं, स्वरबद्ध करते हैं, और फिर इस लय से हम अपने जीवन की खोई हुई लय को फिर से पाते हैं। बिखरे हुए स्वरों को ध्यान के संगीत को सजाकर जिंदगी का भूला हुआ गीत फिर से गाते हैं। दुख विषाद को आनंद में बदलना, पतन के गर्त में गिरती जा रही जीवन की ऊर्जा का फिर से ऊर्ध्वारोहण करना ध्यान के प्रयोगों का ही सुफल है। बस हमें इन्हें करना आना चाहिए। ध्यान के अभाव में ही हम ब्राह्मी चेतना से अपना सामंजस्य गवा बैठे हैं। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से विलग होकर हम निस्तेज और शक्तिहीन हो गए हैं। ध्यान के प्रयोग से यह योग पुनः संभव है। यूँ तो ध्यान अपने में गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रत्येक धर्म व पंथ के आचार्यों ने इसका विशद विवेचन किया है, इसकी प्रक्रिया, प्रभावों व परिणामों का बोध कराया है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का तो यह केंद्रीय तत्व है। अष्टांग योग के 8 अंगों के क्रम में यह 7वें स्थान पर है। इसके पहले के 6 अंग ध्यान की तैयारी के लिए हैं और बाद का 8वां अंग ध्यान के परिणाम व सुफल बताने के लिए है। यह विवेचन कहीं भी और कितना भी क्यों न किया गया हो, पर उसका सार यही है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को श्रेष्ठता, महानता और व्यापकता में एकाग्र करना सीखें। इसके माध्यम से व्यक्तित्व में ऐसे खिड़की दरवाजे खोलें जिनके माध्यम से ब्राह्मी चेतना का सुखद, सुरभित और निर्मल झोंका हमारे व्यक्तित्व में प्रवाहित हो सके। ध्यान का यह स्वरूप हमारे जीवन में भले ना हो, पर कोई ना कोई रूप तो है ही, और जैसा यह रूप है वैसा ही हमारा जीवन है। हमारे विचार और भावनाएं प्रतिपल, प्रतिक्षण कहीं ना कहीं तो एकाग्र होती हैं। यह बात अलग है कि यह एकाग्रता कभी द्वेष के प्रति होती है, कभी बैर के प्रति, कभी हम ईर्ष्या के प्रति एकाग्र होते हैं, तो कभी लोभ लालच के प्रति। यही नकारात्मक भाव, यही क्षुद्रताएं हमारे ध्यान का विषय बनती है, और जैसा हमारा ध्यान वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। कहीं हम अपने गहरे में इसे अनुभव करें तो यही पाएंगे कि ध्यान के इन नकारात्मक रूपों ने हमें रोगी व विषादग्रस्त बनाया है। पल पल भटकते हुए निषेधात्मक ध्यान के कारण ही हमारी यह दुर्दशा हुई है। इसकी चिकित्सा भी ध्यान ही है, सकारात्मक व विधेयात्मक ध्यान। जब सही व सकारात्मक ध्यान की बात आती है तो अनेकों लोग सवाल उठाते हैं, कैसे करें ध्यान, मन ही नहीं लगता। सच बात तो यह है कि उनका मन पहले से ही कहीं और लगा हुआ है। नकारात्मक क्षुद्रताओं में वह लिप्त हैं, अब सकारात्मक महानताएं उसे रास नहीं आ रही हैं। इस समस्या का हल यही है कि मन ने जिस विधि से गलत ज्ञान सीखा है, उसी विधि से उसे सही ज्ञान सीखना होगा। और यह विधि हमेशा से यह है कि जिस सत्य को, व्यक्ति को, विचार को हम लगातार याद करते हैं, अपने आप ही हमें उससे लगाव होने लगता है। यह लगाव धीरे धीरे प्रगाढ़ प्रेम में बदलता है, उसी के प्रति हमारी श्रद्धा व आस्था पनपती है। यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो इसकी सघनता इतनी अधिक होती है कि दुनिया की बाकी चीज़ें अपने आप ही बेमानी हो जाती है और सारे विचार और संपूर्ण भावनाएं उसमें एक रस हो जाती हैं। यही भाव दशा तो ध्यान है, साथ ही यही ध्यान में मन लगने के सवाल का समाधान है। ध्यान जितना भी हम करते हैं वह हमारे इष्ट आराध्य हों अथवा सद्गुरु या फिर कोई पवित्र विचार या भाव, उसके प्रति हमारे प्यार भरे अपनेपन से सोचें, याद करें, नियमित उसके लिए अपनी याद को प्रगाढ़ करें,
यहाँ तक कि यह प्रगाढ़ता हमारी आस्था, श्रद्धा व प्रेम का रूप ले ले। फिर इस प्रेम से परिपूर्ण छवि को अपने शरीर के उच्च स्तरीय केंद्रों यथा अनाहत चक्र, हृदय स्थान अथवा आज्ञा चक्र, मस्तक पर दोनों भुवों के बीच स्थापित करें। अब देखिए हमारी भावनाएं एवं विचार स्वतः ही उस ओर मुड़ चलेंगे। प्रेम से पुलकित मन स्वतः ही उस ध्यान में डूबने लगेगा और अपने आप ही व्यक्तित्व में सकारात्मक विचारों व भावनाओं की सघनता सधने लगेगी। सकारात्मक भावों व विचारों का यह सघन रूप औषधि की भांति है, जिसका नियमित निरंतर सेवन व्यक्तित्व को सब भांति विकारों व विषादों से मुक्त कर देगा। ध्यान की यह चिकित्सा प्रणाली सब भांति अद्भुत है। इसके पहले चरण में अंतर चेतना एकाग्र होती है। इस एकाग्रता के सधने पर हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। दूसरे चरण में यह एकाग्र अंतर चेतना अंतर्मुखी हो स्वयं ही गहराई में प्रवेश होती है। ऐसा होते ही अंतर मन अचेतन मन धुलने लगता है। यहीं पर हमें अनुभूतियों के प्रथम दर्शन होते हैं। सबसे पहले इन अनुभूतियों में विकार व विषाद के स्रोत के रूप में हमारी दमित वासनाएं, भावनाएं व मनोग्रंथियां तरह तरह के रूप धारण कर प्रकट होती हैं। ध्यान के साधक को न इसमें आकर्षित होना चाहिए और न इससे परेशान होना चाहिए, बस तटस्थ होकर निहारते रहना चाहिए। व्यक्तित्व की आंतरिक सफाई का यह दौर सालों साल चलता रहता है। इसके साथ ही रोग शोक के कारणों से छुटकारा मिल जाता है। इस परिष्कार के बाद क्रम आता है भ्रामी चेतना से लय स्थापित होने का। जो जो अंतर चेतना परिष्कृत होती जाती है, अपने आप ही यह सामंजस्य स्थापित होने लगता है। दिव्य अनुभवों के द्वार खुलने लगते हैं। भ्रामी चेतना का प्रभाव अंतर चेतना में घुलने से सभी कुछ दिव्यता में रूपांतरित हो जाता है। इस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उसे कहकर अथवा लिखकर नहीं बताया जा सकता। यहाँ तो जो पहुँच सकेंगे वे स्वयं इसके भेद को जान सकेंगे। इसके बारे में बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि ध्यान के प्रभाव से साधक में सकारात्मक विचारों व भावों का चुंबकत्व सघन होने से समूचा व्यक्तित्व स्वयं ही सद्गुणों का स्रोत हो जाता है। योग ऋषि गुरुदेव का इस बारे में कहना था कि ध्यान से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम सच्चा हो तो अपने आप ही ध्यान होने लगता है। हालांकि ये रहस्य इतने गहरे हैं कि इन्हें समझने के लिए पहले व्यक्तित्व को स्वाध्याय चिकित्सा से गुजरना आवश्यक है। अति विलक्षण स्वाध्याय चिकित्सा। स्वाध्याय चिकित्सा की उपयोगिता असाधारण है। इसके द्वारा पहले मन स्वस्थ होता है, फिर जीवन। चिकित्सा के सिद्धांत एवं प्रयोगों के जो विशेषज्ञ हैं उन सबका यही कहना है कि रोगी मन ही जीवन को रोगी बनाता है। यदि किसी तरह से मन को निरोग कर लिया जाए तो जीवन निरोग हो सकता है। बात सही भी है। यदि हमारे सोच विचार का तंत्र ही दूषित है तो उसके प्रभाव शारीरिक अंगों एवं व्यवहारिक गड़बड़ियों के रूप में क्यों ना उभरेंगे। मानसिक आरोग्य की ओर ध्यान दिए बगैर शरीर को स्वस्थ करने की सोचना या व्यवहारिक दोषों को ठीक करना कुछ वैसा ही है जैसे पत्तों को काटकर पेड़ की जड़ों को सींचते रहना। जब तक पेड़ की जड़ों को खाद पानी मिलता रहेगा, पत्ते अपने आप ही हरे होते रहेंगे। इसी तरह से जब तक सोच विचार के तंत्र में विकृति बनी रहेगी, शारीरिक व व्यवहारिक परेशानियां बनी रहेगी। सोच विचार या बोध के तंत्र को निरोग करने की सार्थक प्रक्रिया स्वाध्याय से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन स्वाध्याय के इस गहरे अर्थ व प्रभाव से ज़्यादातर लोग अपरिचित हैं। कुछ लोग तो स्वाध्याय को अध्ययन का पर्याय मान बैठते हैं। वे चाहे कुछ भी क्यों न पढ़ें उसे स्वाध्याय की संज्ञा दे देते हैं, जबकि इस तरह की पढ़ाई को मात्र अध्ययन कहा जा सकता है। स्वाध्याय नहीं, अध्ययन केवल बौद्धिक विकास तक सीमित है, जबकि स्वाध्याय अपने बोध को संवारने की प्रक्रिया है। विशेषज्ञ हमारे बोध के दो आयाम बताते हैं। इनमें से पहला है बाह्य बोध या इंद्रियों की सहायता से होने वाला बोध। दूसरा है आंतरिक बोध यानी बौद्धिक विवेचन, विश्लेषण एवं आंतरिक अनुभूतियों से होने वाला ज्ञान। बोध के ये दोनों आयाम गहरे में गुथे हैं। जो इंद्रियां अनुभव करती है, बुद्धि उस पर विचार किए बिना नहीं रहती। इसी तरह से हमारी आंतरिक सोच में जो विचार, भावनाएं, विश्वास, आस्थाएं, अपेक्षाएं व आग्रह समाये रहते हैं, वे इंद्रिय अनुभूतियों को अपने रंग में रंगे बिना नहीं रहते। कहावत भी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि दृष्टिकोण को स्वस्थ बना लिया जाए तो जीवन के सभी आयाम अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं और स्वाध्याय इसी दृष्टिकोण की चिकित्सा करता है। स्वाध्याय को यदि अंग्रेजी भाषा में कहे तो
सेल्फ स्टडी न होकर स्टडी ऑफ सेल्स होगा। दरअसल यह स्वयं के सूक्ष्म अध्ययन की विधि है। इस विधि के चार मुख्य बिंदु हैं। इसके पहले क्रम में हम उन ग्रंथों विचारों का चयन करते हैं जिन्हें स्व की अनुभूति से संपन्न महामानवों ने सर्जित किया है। ध्यान रखें, कोई भी पुस्तक या विचार स्वाध्याय की सामग्री नहीं बन सकता। इसके लिए जरूरी है कि यह पुस्तक या विचार किसी महान तपस्वी आत्मवेत्ताओं के द्वारा सर्जित हो। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद अथवा परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित ग्रंथों का चयन किया जा सकता है। इस चयन के बाद दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इस क्रम में हम इन महान विचारों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को देखते हैं, आकलन करते हैं, इस तथ्य पर विचार करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, क्या सोचना चाहिए और क्या सोच रहे हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रम है। इसी स्तर पर हम अपने स्वयं के चिंतन तंत्र की विकृतियों व विकारों को पहचानते हैं, उनका भली प्रकार निदान करते हैं, गड़बड़ियाँ कहाँ हैं और उनके प्रभाव कहाँ पड़ रहे हैं, आगे कहाँ पढ़ने की उम्मीद है, इन सभी बातों पर विचार करते हैं। यह सच है कि निदान सही हो सका तो समाधान की नीति भी सही तय होती है। स्वाध्याय चिकित्सा का तीसरा मुख्य बिंदु यही है। विचार भावनाओं, विश्वास, आस्थाओं, मान्यताओं, आग्रहों से समन्वित अपने दृष्टिकोण को ठीक करने की नीति तय करना, इसकी पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। हम कहाँ से प्रारंभ करें और किस रीति से आगे बढ़ें, इसकी पूरी विधि विज्ञान को इस क्रम में बनाना और तैयार करना पड़ता है। इसके बाद चौथा बिंदु है इस विधि विज्ञान के अनुसार व्यवहार, यानी कि स्वाध्याय को औषधि के रूप में ग्रहण करके स्वयं के परिष्कार का साहसिक कार्य। यह काम ऐसा है जिसे जुझारू एवं संघर्षशील लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि किसी सत्य की वैचारिक स्वीकारोक्ति कर लेना आसान है पर उसके अनुसार जीवन जीने लगना कठिन है। इसमें आदतों एवं संस्कारों की अनेक बाधाएं आती है। अहंकार अनगिनत अवरोध खड़ा करता है। इन्हें दूर करने का एक ही उपाय है, हमारी जुझारू एवं साहसिक वृत्ति। जो अपने अहंकार को अपने ही पाँव के नीचे रोंदने का साहस करते हैं, उनसे बड़ा साहसी इस सृष्टि में और कोई नहीं है। सचमुच ही जो अपने को जीतता है वह महावीर होता है। स्वाध्याय की औषधि का सेवन करने वाले को ऐसा ही साहसी होना पड़ता है। पौंडीचेरी आश्रम महर्षि श्री अरविंद के शिष्य नलिनी कांत गुप्त ने स्वाध्याय के बारे में अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कई मार्मिक बातें कही है। यहाँ ध्यान दिलाना आवश्यक है कि नलिनी कांत अपनी 16 वर्ष की आयु से लगातार श्री अरविंद के पास रहे। श्री अरविंद उन्हें अपनी अंतरात्मा का साथी सहचर बताते थे। वह लिखते हैं कि आश्रम में आने पर उन्हें अन्यों की तरह मैं भी बहुत पढ़ा करता था। अनेक तरह के शास्त्र एवं अनेक तरह की पुस्तकें पढ़ना स्वभाव बन गया था। एक दिन श्री अरविंद ने बुलाकर उनसे पूछा, इतना सब किस लिए पढ़ता था? उनके इस प्रश्न का सहसा कोई जवाब नलिनीकांत को न सूझा, वह बस मौन रहे। वातावरण की इस चुप्पी को तोड़ते हुए श्री अरविंद बोले, देख, पढ़ना बुरा नहीं है, पर यह पढ़ना दो तरह का होता है, एक बौद्धिक विकास के लिए, दूसरा मन प्राण अंतर चेतना को स्वस्थ करने के लिए। एक दूसरे को स्वाध्याय कहते हैं और पहले को अध्ययन। तुम इतना अध्ययन करते हो सो ठीक है, पर स्वाध्याय भी किया करो। इसके लिए अपनी आंतरिक स्थिति के अनुरूप किसी मंत्र या विचार का चयन करो और फिर उसके अनुरूप स्वयं को ढालने की साधना करो। नलिनी कांत लिखते हैं कि यह बात उस समय की है जब श्री अरविंद सावित्री पूरा कर रहे थे। मैंने इसी को अपने स्वाध्याय की चिकित्सा की औषधि बना लिया। फिर मेरा नित्य क्रम बन गया, सावित्री के एक पद को नींद से जगते ही प्रातःकाल पढ़ना और सोते समय तक प्रतिपल प्रति क्षण उस पर मनन करना, उसी के अनुसार साधना की दिशा धारा तय करना। इसके बाद इस तय क्रम के अनुसार जीवन शैली, साधना शैली विकसित कर लेना। उनका यह स्वाध्याय क्रम इतना प्रगाढ़ हुआ कि बाद के दिनों में जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आपके और माताजी के यहाँ साधना की दृष्टि से कौन है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नलिनी। इतना कहकर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले, नलिनी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी, यानी कि नलिनी पवित्रता की मूर्ति है। नलिनी ने वह सब कुछ पा लिया है जो मैंने या माताजी ने पाया है। ऐसी उपलब्धियाँ हुई थी स्वास्थ्य चिकित्सा से नलिनी कांत को। हालांकि वह कहा करते थे कि स्वस्थ जीवन के लिए शुरुआत
अपनी स्थिति के अनुसार मन के स्थान पर तन से भी की जा सकती है। इसके लिए हठ योग की विधियाँ श्रेष्ठ है।